वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो काम की चीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आज मैं करने जा रहा हूँ नेक्सा सियाज का रिव्यू। तो देखते हैं कौन सा मॉडल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सेम शोरूम रहने वाला है जो कि बलिनो का शोरूम था, सेम शोरूम है जिसमें मैंने नेक्सा फीचर्स थे वो भी मैंने देखे, तो वो भी शूट किया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस गाड़ी का रिव्यू। काम की चीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों आ चुके हैं हम सियाज के शोरूम के अंदर। गाड़ी आपके सामने है, जैसे कि मैं फ्रंट लुक आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा फिनिशिंग का लुक है इसके अंदर। एंड प्रोजेक्टर लैंप इसमें आपको मिल रहे हैं, हेलोजन लैंप आपको उसके अंदर जो लाइट मिल रही है, हेलोजन आपको फॉग लैंप मिल रहे हैं इसके अंदर। एक ही प्रोजेक्टर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। क्रोम फिनिशिंग के साथ आगे सुजुकी लोगो। साथ ही साथ मैं आपको अंदर से गेट दिखाता हूँ उसका, कि किस अंदर से इंटीरियर दिखाता हूँ किस तरह से इंटीरियर होने वाला है। गेट में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सारे कंट्रोल हैं आपके, यानी कि आप गेट को जो सारे मिरर हैं वो अप डाउन एंड मिरर, इसमें यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग मिल रही है, साथ में वुडन फिनिशिंग भी इसके अंदर की हुई है। सो ये आपका ड्राइवर सीट से अगर मैं देखते हुए स्टेयरिंग में बताऊँ, तो स्टेयरिंग में आपको जो भी वॉल्यूम का एंड ये सारे जो शॉर्टकट की होते हैं वो सारी चीज़ अवेलेबल आपको यहाँ मिल रही है। यहाँ पर ये आपको डेल्टा मॉडल में आपको शो कर रहा हूँ, डेल्टा 1.5, जिसमें आपको नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर ब्लूटूथ वाला मिलता है विद सीडी के साथ। एंड ये आपका मिरर रहेगा इसमें, दो लाइटिंग आती है, एक यहाँ पे आती है और एक इसके जस्ट ऊपर की तरफ आती है। सीट एडजस्टेबल जो है वो सिर्फ ये वाला रहेगा जो ड्राइवर साइड का होता है, यानी कि आप इसको ऊपर नीचे और कर सकते हैं एडजस्ट। साथ में आपने देखा कि जो आर्म रेस्ट है वो भी आपको उसके अंदर मिल रहा है। सीडी का रिमोट आपको उसके अंदर मिलता है, प्लेयर का, म्यूजिक प्लेयर का रिमोट आपको उसके अंदर मिलता है साथ में, क्योंकि ये मैनुअल म्यूजिक प्लेयर है, कोई टच नहीं है। सो आप देख पा रहे होंगे पूरा क्रोम फिनिशिंग के साथ मिल रहा है। ऑटोमेटिक जो उसका एसी है वो भी कंट्रोल एसी ऑटोमेटिक है। प्लस आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें 100 मैनुअल गाड़ी है। सो तीनों पैडल इसलिए आपको उसके अंदर दिख रहे हैं, ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच का। मेरा फिनिशिंग के साथ फिर से स्पीकर, इसमें आपको 6 स्पीकर मिलते हैं गाड़ी में, जो 4 के गेट में होते हैं, 2 बैक साइड में जो डिग्गी पे लगे होते हैं वो वाले होते हैं। लेके चलता हूँ मैं बैक साइड की तरफ, बैक साइड में आपको बैठ के दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका स्पेस होने वाला। बहुत ही शानदार स्पेस था, जो इसका आर्म रेस्ट है उसी के अंदर इसके एसी के 2 वेंट पीछे जो बंदा बैठने वाला है उसके लिए लगे हुए हैं, ताकि पीछे भी एसी की हवा अच्छे से आ पाए। साथ में आप जैसे देख पा रहे हैं पीछे भी वुडन और क्रोम फिनिशिंग इसमें आपको मिल रही है, बहुत अच्छी। मतलब इसकी जो गेट की साउंड वगैरह भी, मतलब बहुत ऐसा है कि आप गेट वगैरह बंद कर दो काफ़ी अच्छा था। स्पेस देखिए, आपको पैर आराम से बैठ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साथ में पीछे किसी को मोबाइल चार्ज करना है तो आर्म रेस्ट में मोबाइल चार्जर भी लगा हुआ है, मोबाइल चार्जर का सॉकेट भी लगा हुआ है, सिगरेट लाइटर इसे बोलते हैं। इसके साथ साथ इसकी जो सीट है इसके अंदर कप होल्डर है, मैं खोल के दिखाता हूँ कप होल्डर, यानी कि कुछ भी आप अगर चलती गाड़ी में पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ आप कर रहे हैं तो आप उसे आराम से कर सकते हैं। एक तरह से आप उसे आर्म रेस्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर लुक, हाउस लुक, मतलब जो लुक है वो बहुत अच्छा पीछे से भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ साथ 5 स्पीड की गाड़ी होने वाली है, ठीक है, यानी कि 5 स्पीड वाली जो मेरी मैनुअल गाड़ी होती है वही होने वाली है। गियर लॉक आप देख पा रहे हैं। सारा इंटीरियर आपको मैं अच्छी तरह से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इश्यूज़ बाद में ना फेस करना पड़े कि हाँ ये चीज़ मैंने नहीं दिखाया था। इसके साथ साथ गाड़ी से बाहर निकलते हैं और चलते हैं पीछे की तरफ। थोड़ा सा पीछे आपको जो नॉर्मल इसकी लाइट मिलती है वो एलईडी लाइट नहीं है इसके अंदर, नॉर्मल लाइट है। साथ में आपको जो बूट स्पेस है, बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है 510 लीटर का, इसमें आपको बूट स्पेस मिल रहा है। स्टेपनी में आपको फिर से वही चीज़ है कि आपको चारों अलाइवल मिलते हैं, बट स्टेपनी में आपको अलाइवल नहीं मिलता है। अगेन जो इसके टायर, जैसे कि मैंने आपको अभी टायर दिखाया, तो वो 185/65 R15 का टायर होने वाला है, ठीक है। 43 लीटर का इसका जो पेट्रोल टैंक है वो होने वाला है। साथ ही साथ इसकी जो वारंटी है वो 2 साल की, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ इश्यू हो रहा था तो बंद नहीं हो रहा था, थोड़ा तेज़ ऊपर से जब बंद किया था वो बंद हो गया था, यानी कि साइड से बंद नहीं हो रहा था पर ऊपर से प्रेस करने पे हो गया था। 2 साल की वारंटी है, 40,000 मीटर तक की इसकी वारंटी रहेगी, यानी कि 40,000 तक आपकी गाड़ी चलती है या 2 साल हो जाती है तो आपकी गाड़ी वारंटी में रहेगी। अगर उससे ऊपर चली जाती है, 2 साल हो जाएँ या 40,000 हो जाए तो ऊपर जाएँ तो वो हो जाता है। साइड मिरर फोल्डिंग आपको मिरर दिख रहा है, साथ में आपको मैं जैसे कि गेट मैंने अभी आपको बताया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितने का है, 185/65 R15 टायर सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और इसी तरह से मैं और भी रिव्यूज़ करने वाला हूँ, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर कमेंट, कमेंट से मुझे पता चलेगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या चीज़ आप देखना चाहते हो और किस किस के बारे में नॉलेज चाहिए, जिसके बारे में चाहिए आप मुझे बताइए कि हाँ ये नॉलेज मुझे चाहिए, बेस ट्यूब है या म्यूज़िक प्लेयर है या जो भी एसेसरीज आपको चाहिए आप मुझे बताइए, मैं उसका रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा जो भी बेस्ट होगा और अच्छे से अच्छे प्राइस में आपके लिए लेके आऊँगा। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर।